और निर्माण में बाधा बने बिजली के खंभे व लाइन हटवाने के लिए शहरी विधायक प्रमोद विज ने बिजली निगम को 10 दिन का समय दिया था। साथ ही चेतावनी भी दी थी कि तय दिनों में काम पूरा नहीं हुआ तो अधिकारियों की लापरवाही की रिपोर्ट मुख्यालय तक दी जाएगी। यह निर्देश 8 जुलाई को मीटिंग में दिए गए थे। इन निर्देशों के 8 दिन बीत जाने के बाद भी बिजली की चालू लाइन या खंभा हटना तो दूर की बात, इस रोड पर जो यूजलेस लाइन है उसे हटाने तक का काम भी शुरू नहीं हो पाया। यूजलेस लाइन का तो किसी उपभोक्ता या खुद बिजली निगम तक को कोई फायदा नहीं हो रहा। इसके बाद भी यूजलेस लाइन को हटाने में देरी हो रही है। 10 करोड़ में बनने वाली इस करीब 3 किलोमीटर सड़क पर 200 से ज्यादा खंभे लगे हैं। गुहाना रोड निर्माण पर दिन भर जाम लगता रहता है। गुरुवार को बारिश होने के बाद तो स्थिति और भी खराब हो गई। गुहाना रोड एरिया निवासी एवं दुकानदारों ने कहा कि निर्माण लटकने के कारण तो हमारे तो रोजगार भी ठप हो गए। दिन भर सड़क जाम रहती है, ग्राहकों ने दुकानों में आना जाना बंद कर दिया है।